नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीम द्वारा मच्छर उन्मूलन को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में दवाओं का छिड़काव कर पॉम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर नगर निगम प्रशासन और जिला मलेरिया विभाग द्वारा भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मच्छर उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में डेंगू मलेरिया आदि जैसी बीमारियों की रोकथाम को लेकर उच्च क्वालिटी की दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीम सुबह से ही प्रत्येक वार्डों में जाकर दवाइयों का छिड़काव करती है और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर लोगों को पॉम्पलेट बांटकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मलेरिया डेंगू का कोई भी लक्षण दिखाई दिए जाने पर समीप के अस्पताल से संपर्क करने की अपील भी करी जा रही है ताकि समय रहते बीमारियों का उपचार किया जा सके। मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने, जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने, मच्छरदानी लगाकर सोने के साथ फुल आस्तीन की शर्ट पहनने आदि की भी अपील करी जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या है, अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर के रोग डेंगू मलेरिया के नियंत्रण की टीम के साथ घूम रहे हैं। ये वर्तमान में डेंगू नियंत्रण में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक रोस्टर तैयार किए हैं। रोस्टर के आधार पर अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं, घर घर हम घूमते सर्वेक्षण कर रहे हैं, कूलर टंकी चेक कर रहे हैं और आम नागरिक से अपील कर रहे हैं कि अभी फिलहाल कहीं भी पानी 2 से 3-4 दिन तक इकट्ठा करके ना रखें, जिससे मच्छर का लार्वा की उत्पत्ति ना हो। निगम कमिश्नर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके हम पूरी टीम के साथ सर्वेक्षण और छिड़काव कार्य में संलग्न हैं। बहरहाल मच्छर उन्मूलन को लेकर नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान सराहनीय है। इस अभियान में लोगों को भी अपनी जागरूकता का परिचय दिए जाने की जरूरत है। मच्छरों को पनपने से रोकने, नगर निगम द्वारा बताए गए कार्यों को किए जाने के साथ मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।